बस बाकी बात मीठी है ना। हाँ, इतनी मिठास है इसकी आवाज में कि शहर टपक टपक के गाड़ी भर गई होगी और अब मेरा ख्याल है मक्खियां मिलमिला रही होंगी वहां पर। वैसे मेरी बच्चियां तुम्हारे पास बैठकर ज़ारा कितना खुश होती है। खुश तो मैं भी बहुत होता हूँ मगर मेरा तो लाख टूट गया। कोई शायद हो नहीं तो आपको इस वक्त कौन सा गांव तकिया मुहैया होगा, आप घर पे बैठ के आराम कर लेती। वैसे भाभी खाना बहुत बदजायका है, ठीक है। माशाल्लाह, इसीलिए मुसलसल दो घंटों से तुम खाए चले जा रही हो कि शायद मुरजाना तौर पर इसमें कोई जायका निकल आए। अम्मी आप कबाब लेना। अरे मैं तो खा लूंगी जारा, लेकिन मुझे फिक्र ये हो रही है कि सुबह मासी को क्या दूंगी। उस कमबख्त को तो आदत पड़ गई है कि रात का सालन पराठे के साथ खाना है। अब मैंने तो आज कुछ पकाया ही नहीं। नहीं तो आपको किसने कहा था कि आप यहाँ उठ के आए। आप आराम से बनाती अपनी मासी जी के लिए नाश्ता। वैसे आइडिया है भाभी, जब आप पिछली मेज पे बैठे थे ना लोग कुछ चले गए, हमें खाना काफी सारा है पाप के चलते। निगो मैं तेरी मेहरबानी की वजह से इस टेबल पे तो हूँ खाने वास्ते कुछ नहीं आया। आप मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है? कौन चंदा तुम इतने खामोश क्यों हो? मैं कुछ हंसते नहीं गया। बिस्मिल्लाह। पता है सारा, मेरी शादी वाले दिन ना मेरी सास के गले में हड्डी फंस गई थी। मेरे ससुर ने खींच के गिलास मारा, गिलास तो टूटा सास। अम्मी आप इनके दांत दो किसे रहने दें, लेकिन आज आपकी बहू ड्राइविंग करके खुद घर जाएगी। सच्ची? हाँ, और दादी आप मेरे साथ बैठ के जाएंगी। नहीं, ड्राइव तो मैं भी कर सकता हूँ। नहीं, जारा बहुत संभल के चलाएगी, मुझे पता है, तुम ही चला दे। जारा तुम खाओ ना, ये छोटी को इसको दो। नहीं मैं बस ठीक है, माँ की गोद में ना रहिए। जारा माशाल्लाह तुम तो बड़ी अच्छी ड्राइविंग कर लेती हो बेटा। हाँ वाकई में, मुझे भी सिखा देना, भाभी ने तो मुझे सिखाई नहीं जानबूझ के। तुम पे मुझे भरोसा नहीं है, लेकिन जारा बहुत अच्छे से चला रही है गाड़ी को। अपने बेटे पे भी भरोसा कर ले थोड़ा। नहीं भाई, अब जारा के हाथ में गाड़ी रहेगी तो मुझे इत्मीनान रहेगा। देखो देखो ये अभी अभी मार देता, कितनी अच्छी बचाई है इसने। इसमें बिगड़ने वाली क्या बात है दादी, और कल रात को खाने में आप लोग भी तो सब साथ गए थे। तो चल चंगा फिर, आज हम भी सारे तेरे नाल चलते हैं। नहीं नहीं, दरअसल वो आपकी देखने वाली फिल्म ही नहीं है। हाँ हाय बिशर्मा, बेहयावा, ऐसी फिल्म देखेगा शर्म नहीं आएगी। नहीं नहीं, दरअसल वो बच्चों की फिल्म है ना, आप बोर हो जाएंगे। बच्चों की फिल्म है पुत्र, मुझे सब पता है। जो तू बच्चों वाली फिल्म देखने जा रहा है ना, मैंने पता है बड़ा सियाना। चुप करके बैठ जा, खबरदार नाम भी लिया तूने फिल्म का। तो वैसे खुद तो आप मजे से हर जुम्मे के जुम्मे दादाजी के साथ फिल्म देखने निकल जाती थी, मुझ पे क्यों पाबंदी लगा रही हैं आप? जिस वेले हम फिल्में देखते थे ना, जो उस वेले की आज भी कोई फिल्म लगी हुई है ना, तो जा दिखा ला जारा को। आजकल की वाहियात फिल्में में ना तुझे देखने दूंगी ना जारा को। अम्मी अम्मी तम्मी, जिम्मे अम्मा को वकील रख लिया ना, मुझे उसका डर पड़ा हुआ है। जा उससे भी सिफारिश करा रहा, जब कह दिया कि नहीं देखनी फिल्म तो नहीं देखनी। प्रोग्राम बनाने से पहले मुझसे पूछा क्यों नहीं? यानी अब दादी फुप्पो और अम्मी के अलावा तुमसे भी इजाजत लेनी होगी? मैं इजाजत की बात नहीं कर रही, लेकिन मुझे बता तो देते। बता तो रहा हूं, तैयार हो जाना शाम को। मगर दादी, उनको अम्मी हैंडल कर लेंगे। तुम अपना कोई एक मामला खुद से हैंडल कर सकते हो, ये सब कुछ अम्मी ही करेंगी। क्या मतलब? मुझे शाहरुख की फिल्म नहीं देखनी है। तुम्हें भी शाहरुख खान बुरा लगता है? नहीं, मुझे साहिर लोधी बुरा लगता है। मुझे रातों को नींद नहीं आती, दिन को भूख नहीं लगती, एक
बेचैनी सी लगी रहती है दिल को। चलो हमारे ख्यालात में सही हालात तो मिलते हैं। जारा बच्चे चलो, अम्मा बुला रही हैं। जी अम्मी। इस वक्त जारा की तबीयत ठीक नहीं है, ये आज हमारे पास सोएगी। क्या अम्मी, लेकिन मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी तबीयत खराब है तुम्हें नहीं पता। कमाल है, ये अजीब खराबी है तबीयत की जिसका जारा को नहीं आपको पता है। देखो उसकी तरफ, ना उसकी नींद रही है ना उसकी भूख, सारा दिन बुलाई बुलाई से फिरती रहती है, और सवाल कुछ पूछो जवाब कुछ और मिलता है, और कमजोरी तो इतनी हो गई है कि चीजें हाथ से फिसल कर गिर जाती हैं। तो ये बदहवासियां तो आजकल मुझसे भी होती हैं। मेरी भी रातों की नींद और दिन का चैन खोया हुआ है, तो क्या मेरी भी तबीयत खराब है? चल हट शरीर कहीं का, तेरी ऐसी तबीयत की खराबी नहीं हो सकती। आओ जरा आज किसी का मेरे साथ बाहर जाने का दिल कर रहा है। ना बाबा ना, आज तो मैं कहीं नहीं जा सकती। ये तो और भी अच्छा है, हम दोनों घर में ही बल्कि इस कमरे में ही आपस में टाइम स्पेंड कर लेंगे। ओहो, आज हम सब लोग सहन में इकट्ठे हो रहे हैं अम्मी अबू की वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने, सारी रात जागेंगे। क्या सारी रात? हाँ, फुफो का आइडिया, हम सब लोग अंताक्षरी खेलेंगे। ये तो फुफो और उनके आइडियाज। बाजरे दास टासा दल्ली ते ये गाना तो मेरे सामने क्यों गा रही हो? बाजरे का सट्टा है, हथेली पर रखा, मरोड़ दिया, किस्सा खत्म। इसमें गाना गाने वाली क्या बात है? ओह चिढ़ क्यों रहे हो, दादू ने सुनाया था। तो दादू के सामने जाके गाया करो ना, ये कोई गाना है शोहर के सामने गाने वाला? एक तो मैंने राहिला की लिस्ट भी जाकर मंजर के मुंह पे मार दी, वरना वही लिस्ट तुम्हें दे देता। तुम्हें पता है ना मुझे मॉडर्न गाने सुनने का बहुत शौक है, मैं वो तुम्हें लिस्ट देता तुम उसी में से कोई गाना मुझे सुना देती। ये राहिला कौन है? मंजर की बहन, बताया तो था। अब जी पप्पो अभी आई। हाँ हाँ जाओ, किसी को तुम्हारे बगैर मजा नहीं आ रहा होगा ना, मैं तो यहाँ बैठा लुटिया डाल रहा हूँ। नहीं मैंने अभी अभी सोफे पे एक चिपकली को गुजरते हुए देखा है, अब ये सोफा नापाक हो गया है, इस पे अब ना तुम सो सकती हो ना मैं। मैं दादू के पास होने जा रही हूँ। आखिर दादी का मसला क्या है? कौन? ना तो बुजुर्ग है ना, तन्हाई का शिकार है, उनका भी दिल करता बातें करने को, और वैसे भी हम दो दिन से उनके पास नहीं थे, वो उदास हो गई है। तन्हाई का शिकार तो मैं भी हूं, मैं भी तरसता हूं तुमसे बात करने के लिए, और तुमसे इतने दिन दूर है कि मैं भी उदास हो गया हूं। दूर? पिछले दो दिन से हम साथ ही थे। वाह क्या कहने हो ससीन साथ के, मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम आज रात यहीं सोगी, जाओ जाके दादी को मना कर दो। मैं दादू को मना नहीं करूंगी, उन्होंने इतने प्यार से कहा है मुझे। तो मैं क्या भौंक रहा हूं, काट रहा हूं तुम्हें? मैं भी तो प्यार से ही कह रहा हूं ना। ये तुम्हारा प्यार है? नहीं नहीं और भी बहुत है, तुम रुको मैं तुम्हें बताता हूं। अगर दादू नाराज हो जाएंगी, और अगर तुम भाग गई तो मैं नाराज हो जाऊंगा। तो मैं तुम्हारा शोहर हूं, मेरी बात मानना तुम पे फर्ज है। मैं जानती हूं कि तुम मेरे शोहर हो, ये बात बात में मुझे याद क्यों करवाते हो? ताकि तुम्हें इस बात का एहसास हो कि शोहर सिर्फ उसूलू के पट्टे को नहीं कहते जिसकी तुम शर्टे प्रेस करती हो और शाम में चाय पानी का पूछ लेती हो, और जिसका नाम अपने नाम के साथ जोड़ के सुरखुरू हो जाओ। जी दादू आई। मुबारक को अम्मा, लेमू मीठा करें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अब सारे लोगों में मशहूर ना कर देना, लोगों का सारा ही बथेरा होता है। अम्मा मैं क्या करूं,
इतनी बड़ी खुशी की खबर छुपाई भी तो नहीं जाती। दो मेरा बच्चा। नहीं, दो नफल शुक्राने के पढ़ लेना बेहद अपने। कल मेरे ऑफिस में पहला दिन है, मुझ पे कुछ पढ़ के फूंक दीजिएगा। मन पुत्र तो क्यों फिक्र करता है, मैं सारे रस्ते दुआएं पढ़ पढ़ के तेरे पे फूंकती रहूंगी। सारे रस्ते? हाँ। यानी कल सुबह ऑफिस जाते हुए आप मेरे सर पे सवार होंगी? हाय हाय, रब ना करे मैं क्यों तेरे सिर पे सवार होने लगी, मैं गड्डी में बैठूंगी तेरे साथ। नहीं नहीं दादी, ऑनली सुबह ऑफिस जाने, स्कूल नहीं, अम्मा जाइए। ठीक ही तो कह रही है अम्मा, मैं काफी हूँ ना, मैं बड़ी एहतियात ध्यान से सीधा इसको दफ्तर के बाहर ड्रॉप करूंगी, कोई फिक्र की बात ही नहीं। नहीं अम्मी, और खुद से चला जाएगा, मेरी ड्यूटी ना निभाए। आहो उसना ठीक कहती, कुड़ी बड़ी सियाणी है, तू देखना ये ओन पुत्र को सीधा दफ्तर लेके जाएगी और टाइम से वापस भी लेके आएगी घर। हाँ बल्कि ऐसा करना चाहिए, ऑफिस के सामने जम के बैठ जाना चाहिए मेरी चौकीदारी करने। हैं? हाँ, हाय नी, ये क्या क्या गया पुत्र तेरा? आप दोनों समझती क्यों नहीं है, ओन को बुरा लगता है, उसका सब मजाक उड़ाते हैं, अम्मी वो परेशान होता है, शर्मिंदगी होती है उसे। लीजिए अब हमारा परवाह करना भी उसे बुरा लगने लगा। हम प्यार करें तो उसको शर्म आती है, हाँ? दादी हर उम्र में प्यार जताने का तरीका एक अलहदा होता है, आप ऐसा नहीं कर सकती, ओन अब 5 साल का बच्चा नहीं है। दादी सो गए? अच्छा है, तो वो ऑफिस भी जाना है। अच्छा सुनो, मैंने दादी रख। एक तो तुम हर वक्त बोलती रहती हो, सोने भी नहीं देती किसी को। जल्दी से आना, उनको देर हो रही है। हाँ हाँ बुलाएं उसे ताकि मुझे ऑफिस भेज आ सके। अब हर रोज ऑफिस जाने से पहले उसका चेहरा देखना पड़ेगा। जी माताजी है। तुम्हारा लंच बॉक्स तैयार करने के लिए कहा था उसे, वही मंगवा रही हूँ। और वैसे भी तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि ज़ारा ने दादी से इजाजत ले ली है कि तुम रोज गाड़ी खुद चलाकर ऑफिस जाओगे। ये लो जाओ। वाकई तुम्हें बिना वजह ही रात को नखरे दिखा रहा था। अम्मी आप एक काम कर सकती हैं प्लीज, मेरे जाने के बाद मेरे कमरे से वो मनहूस सोफा हटवा दें प्लीज। है? वो क्यों? दरअसल वो सोफे की वजह से कमरे में तंगी बहुत हो रही है ना, प्लीज आज ही हटवा दीजिएगा। अजीब फरमाइश है तुम्हारी। अम्मा ने फरमाइश की थी नाश्ते में हलवा खाना है। रात को क्यों नहीं बताया? तुमने सुना ही नहीं। अच्छा मैं तुम्हारी हर बात मान रहा हूँ ना? हाँ अभी तक तो हर बात मान रहा हूँ। कुछ वादे तुमने भी किए थे, तुम्हें याद है ना? जी जी जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। हमने ऐसे ही अपनी जिंदगी के इतने खूबसूरत दिन जाया कर दिए। हो सकता आने वाले दिन ज्यादा हो जा रहा था।
पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा। खाक करना होगा, मुझे तो लगता है हसरत ही रहेगी मेरे दिल में। नहीं, तुम इस वक्त मेरे साथ चलना होगा। इस वक्त कहाँ जाना है? सोफिया की तबीयत बहुत खराब है, उसे हॉस्पिटल लेके जाना। वो तो सुबह से बहुत ज्यादा सुस्त थी। वो तो पैदा ही सुस्त हुई थी, दादी कहती है वो आप पे गई है। ये कोई वक्त है मजाक करने का? मैं भी तो यही कह रहा हूँ, ये कोई वक्त है? पप्पू मेरी बात सुने, उसे सिरप बुला के सुला दें, हम ना सुबह डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है? खुदा ना खासा उसकी तबीयत ज्यादा खराब होगी तो तुम नहीं जाना चाहते, मैं चली जाती। रहने दो, तुम्हें तो शौक है ना नंबर बनाने का, मैं जा रहा हूँ। चले पप्पू। और खबरदार, जो तुमने मेरी गैर मौजूदगी में वो मनहूस सोफा वापस लाने की कोशिश की, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तूने फिर वो हरकतें शुरू कर दी, ऑफिस क्यों नहीं गया तू? दरअसल मैंने तुझसे एक जरूरी मशवरा लेना था। देख, अब तेरी शादी हो गई है, ये भाग भाग के मेरे पास क्या लेने आता है? ये तो कैसी बातें कर रहा है? किसी ने तेरी बात ये सुन ली ना, तुम्हारे बारे में पता नहीं क्या उठपटांग सोचेगा। यार ड्रामे बासू पहले भी था, अब तो पूरे का पूरा भांड हो गया है। देख, मैं तेरी ये बात माइंड भी कर सकता हूँ। तो कर ले माइंड, रोका किसने? पांव पटक और चला यहाँ से, दफा हो जा। मैं छोड़ने का सोच रहा हूँ। क्या माइंड करना? नहीं, मैं अपने घर और घर वालों को छोड़ने का सोच रहा हूँ। क्या कह रहे? यही इलाज है सबका कि मैं ज़ारा को लेके घर से भाग जाऊं। तुम दोनों की जोड़ी दुनिया की यूनिक जोड़ी होगी जो शादी के बाद भागेगी। वैसे सोच मंजर, वहां मैं और ज़ारा अपनी अलग दुनिया बसाएंगे जहां सिर्फ वो होगी और मैं। सिर्फ तू, क्योंकि नेक ख्याल नहीं है। और जो मेरे घर वाले मेरे साथ कर रहे हैं वो ठीक है, उनको ना मेरे जज्बात की परवाह है ना प्राइवेसी की, लेकिन वो तेरे ख्याल में सेट है। हुस्ना खाला और पप्पू मान जाएंगी? मानना पड़ेगा, बल्कि तू देख, दादी खुद अपने मुंह से इजाजत देंगी। ऐसा क्या करने वाला है तू? देख, पिछले दोनों के वाके से एक बात तो क्लियर हो गई है, किसी की नजरों से गिर के रहना मेरे लिए नाकाबले बर्दाश्त है। और ज़ारा का तो इंप्रेशन उन सब लोगों के सामने इतना अच्छा है कि अगर मैंने अलग रहने की बात भी की ना तो वो सब लोग ये समझेंगे कि मैं ज़ारा को उनसे दूर करना चाहता हूँ। मेरे पास एक ऐसा हाल आया जैसे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तू और तेरे हाल।